वरना की 400 हुंडई। प्रॉब्लम इसके अंदर ये आ रही है कि हमारा अल्टरनेटर और मतलब जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो कुछ भी काम नहीं कर रहे, और डैशबोर्ड पर हमारी ये जो है लाइटें कुछ आ रही हैं। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो रही है, अल्टरनेटर कुछ काम नहीं कर रहा है, एसी पीसी मतलब जितने भी सिस्टम है वो काम नहीं कर रहे। तो हम करते हैं इसको स्कैनिंग। जनरल और हम सबसे नीचे जाएंगे जहाँ पर वरना है, और हमने वरना सेलेक्ट करते हैं। 2012-13 मॉडल हम 13 सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारी जो है गाड़ी जो है 1.4 है, 1.6। अब हम करते हैं इसको रीड, और ये कोड आ रहे हैं। ये कोड जो आ रहे हैं इनसे हमारा अल्टरनेटर का आपको पता ही है, और हमारे सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। ये केवल ऑक्सीजन सेंसर और जो है कुछ कोड हैं जिनसे हमारा जो है बैटरी का, अल्टरनेटर का, या जो है अपना जो है सिस्टम का कोई मतलब नहीं होता है। फिर हमने जो है स्कैनर ने कुछ बताया नहीं, तो फिर हम आते हैं अपने फ्यूज पर। और हमने ये फ्यूज, हालांकि फॉल्ट हमने स्कैन कर लिया था, मतलब वो जो है एनालाइज कर लिया था, फिर हम फॉल्ट को आपको दिखाने के लिए दोबारा से हमने जो है वीडियो बनाई। हमने कहा वीडियो बनाते हैं ताकि जो है आप लोगों को भी थोड़ा सा पता चले कि अगर हमारा स्कैनर कुछ फॉल्ट नहीं बताता है और हमारा अल्टरनेटर या हमारा जो है सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम नहीं करता है, उस कंडीशन में गाड़ी स्टार्ट होती है तो फिर क्या होता है। तो फिर हमने अपना फ्यूज बॉक्स खोला, बैटरी के तार हटाए, फ्यूज बॉक्स खोला हमने। पहले हमने फॉल्ट ढूंढ लिया था, हमने फिर भी वीडियो बनाने के लिए दोबारा से हमने जो है इस फॉल्ट को जो है किया, तो हमने देखा तो ये हमारा जो फ्यूज है ये वाला, देखो जहाँ पे हमने ये रखा था ये फ्यूज शॉर्ट हो गया था। तो फिर हमने इसको जो है खोल करके सोल्डरिंग करी। देखो ये हमारा जो फ्यूज बॉक्स है, इसके अंदर का ये जो फ्यूज है जो हमने बीच में जो चौथे नंबर पर जो है शॉर्टिंग थी ये उड़ गया था। फिर हमने इसको जो है सोल्डरिंग करके डायरेक्ट कर दिया, और डायरेक्ट करने के बाद फिर हमने जो है इसको जो है असेंबल किया, और असेंबल करने के बाद फिर हमने जो है अपना जो है सिस्टम चेक किया, तो हमारा सारा सिस्टम काम करने लग गया था। अल्टरनेटर और हमारा जो है पंखा और हमारा एसी और भी मतलब जितने भी सिस्टम थे वो सारे मतलब पूरा फ्यूज बॉक्स ही काम करना छोड़ दिया था, लेकिन गाड़ी हमारी स्टार्ट हो रही। तो हमने इसीलिए हमने कहा एक बार हम अपने जो है दोस्तों के लिए वीडियो बना लेते हैं। उसके बाद फिर हमने जो है गाड़ी स्टार्ट करी, स्कैन भी किया, लेकिन स्कैनिंग में वही फॉल्ट जो नॉर्मली दिखा रहा था उससे हमारा कोई फॉल्ट से वो रिलेटेड फॉल्ट नहीं था। फिर हमने गाड़ी स्टार्ट करके देखी, और गाड़ी तो स्टार्ट पहले ही थी, फिर भी हमने कहा एक बार स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं। चेक लाइट हमारी ABS की जो है प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से नहीं जा रही, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जो फॉल्ट था वो हमारे फ्यूज बॉक्स के